नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपसे साझा करूंगी हमारे उत्तराखंड की एक ऐसी चाट जो ग्रेन्स से बनती है। यह चाट उत्तराखंड के लोग तब बनाते हैं जब वे मक्के की हार्वेस्टिंग कर चुके होते हैं। यह चाट उत्तराखंड की मेहनतकश महिलाओं के लिए बहुत ही ताकतवर्धक होती थी। उत्तराखंड के ठेठ गांव में आज भी खान पान ऑर्गेनिक पदार्थों से ही बनता है। चलिए फ्रेंड्स, हाल फिलहाल हम देखते हैं कि किस तरह यह मल्टीग्रेन चाट बनाई जाती है। तो हम अब इसके इंग्रेडिएंट्स की ओर चलते हैं और देखते हैं हमें इस चाट के लिए क्या क्या चाहिए। इस चाट के लिए हमें 6 ग्रेन्स चाहिए और वे 6 ग्रेन्स हैं। यह चाट बनाने के लिए मैं सभी होल ग्रेन्स ले रही हूँ और ये 6 तरीके के होल ग्रेन्स हैं। इनमें से कुछ तो आपको आसानी से मिल जाएंगे मगर कुछ हमारे पहाड़ों में ही ज़्यादा मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एक एक करके इनके नाम क्या हैं। सोयाबीन, काले चने, ब्लैक बीन्स, इसको हम भट बोलते हैं उत्तराखंड में, और ये अगर आप इसको गूगल करेंगे तो ये ब्लैक बीन्स हैं। कुलथ की दाल, इसको उत्तराखंड में गैथ बोला जाता है परंतु इसका अंग्रेजी नाम हॉर्स ग्राम है। वीट, गेहूं एंड कॉर्न, मक्का। तो आप क्वांटिटी देख सकती हैं कि मैंने कितनी ली है। ये छोटी कटोरी है और छोटी कटोरी का भी आधा आधा, आधी आधी छोटी कटोरियां मैंने ये सारे होल ग्रेन्स लिए हैं। तो अब मैं इन होल ग्रेन्स को एक बर्तन में पानी में सोक करने के लिए, इनको पकाने से पहले इनको पानी में सोक करूँगी। तो देखिए मैंने ये पानी में सोक कर लिए हैं। आप चाहें तो मोटी दालों को अलग सोक कर सकते हैं और पतली दालों को अलग। मोटी दालों को आप पहले उबाल सकते हैं, 1 या 2 सीटी उनको दे सकते हैं प्रेशर कुकर में, एंड देन पतली दालों को ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। मगर मैंने दोनों दालें अब साथ में भिगा दी हैं तो मैं इन्हें साथ में ही उबालूँगी। बट उबालने से पहले मैं इन्हें भिगा के रखूँगी। ये दाल मैंने कम से कम 5 से 6 घंटे भिगाई है और अब मैंने ये दाल धो दी है। ये सभी ग्रेन्स मैंने इकट्ठे धो दिए हैं और अब मैं इन्हें एक प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालूँगी क्योंकि अब मैं इन्हें उबालने की तैयारी कर रही हूँ, और हल्का सा तेल डालूँगी और इसे उबालने रख दूँगी। ज़्यादा इसे उबालिएगा नहीं, नहीं तो ये दाल जैसा हो जाएगा। हल्की सी 2 या 3 सीटी इसे बस आने दीजिए और उसके बाद इसे निकाल दीजिए। देखिए इस तरीके से इतनी उबलनी चाहिए कि दालें स्मैश ना हो। अब मैं इस उबली हुई जो भी ये ग्रेन्स हैं इनको मैं स्ट्रेन कर लूँगी और बाकी जो बचा हुआ पानी है मैं कल की दाल में उसे यूज़ कर लूँगी या फिर उससे मैं आटा गूंथ लूँगी। और ये सारे ग्रेन्स मेरे बॉयल हो चुके हैं, देखिए कितने अच्छे से बॉयल हुए हैं, जो कि आसानी से च्यू हो जाएंगे जब आप च्यू इन्हें करेंगे। तो टेम्परिंग के लिए देखिए मैं क्या ले रही हूँ। ये है जखिया, ये उत्तराखंड का प्रचलित एक सीजनिंग है जिसे हम हरी सब्जियाँ या फिर जो भी ड्राई सब्जियाँ होती हैं उनके लिए हम लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, कटी हुई प्याज थोड़ी सी, हरी मिर्च थोड़ी, और एक नींबू जिसका कि रस मैं इसमें मिलाऊँगी, और थोड़ी सी हींग भी मैं इसमें डालूँगी क्योंकि ये होल ग्रेन्स हैं तो अच्छा है अगर हम थोड़ा सा एसाफोटिडा पाउडर इसमें डालें तो हमें गैस नहीं होगी। मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे घी में भी छौंका इसका मार सकती हैं, परंतु मैंने ऑलिव ऑयल लिया है और उसमें मैंने हींग डाली है। अब मैं इसमें जखिया डाल रही हूँ और ये क्रैकल कर रहा है जखिया अच्छे से। जब ये अच्छे से क्रैकल कर जाए तो उसके बाद आप इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दीजिए थोड़ा सा, और थोड़ी सी प्याज डाल दीजिए और इसे अच्छे से सौटे कर लीजिए। बहुत ज़्यादा सौटे करने की ज़रूरत नहीं है, 30 सेकेंड्स आप सौटे कीजिए, दैट इज़ इनफ।
उसके बाद आप इसमें जो हमारी दाल है वो इसमें डालिए, जो भी हमारे ग्रेन्स हैं सॉरी वो इसमें आप डालिए। ये ग्रेन्स बहुत ताकतवर्धक हैं, कोई भी इन्हें खाएगा बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी और हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो ये मैंने देखी इस तरीके से, मैंने दाल को भी सौटे कर किया है उसके साथ। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ा नमक भी डालूँगी स्वाद के लिए, और ये जीरा पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ, जो भुरा हुआ जीरा पाउडर है, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च, इसको अच्छे से सौटे करती रहूँगी। आप चाहें तो आप धनिया बाद में भी डाल सकती हैं और अभी भी, और धनिया मैंने डाला है स्वाद के लिए और इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। और आप चाहें तो इसे ढक्कन लगाकर इसे पका सकती हैं थोड़ी देर के लिए, और नहीं चाहें तो जस्ट सौटे करते रहिए। और ये मैंने अराउंड 2 to 3 मिनट मैंने इसे सौटे किया है। आप मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, हम लोग उत्तराखंडी लोग कड़ी पत्ते का उपयोग नहीं करते हैं, बट दिल्ली या बाहर जैसे हम लोग पले बड़े हैं तो हर चीज़ में माँ ने भी कड़ी पत्ते का उपयोग किया है तो हमें भी आदत पड़ गई है। बट ये कंपल्सरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप कड़ी पत्ता नहीं भी डाल सकती हैं। और अब मेरा लगभग तैयार हो चुका है, दाल अच्छे से मसाले उसमें मिक्स हो चुके हैं और मैंने ये नींबू का रस इसमें डाला है और मैं इसे अच्छे से इन ग्रेन्स में मिला लूँगी। गैस को मैं बंद कर चुकी हूँ, नींबू का रस मैंने तभी डाला है जब मैंने गैस बंद की है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद आप इसे सर्व कर सकती हैं। ये ग्रेन्स मल्टी ग्रेन्स चाट हमारी तैयार है और इसे आप सर्व कीजिए, अपनों को खिलाइए, वे इसे बहुत पसंद करेंगे। ये उत्तराखंडी मल्टीग्रेन चाट है। फ्रेंड्स, आई होप आपको भी ये चाट पसंद आए। इसे बनाना बहुत ही आसान है परंतु इसके बेनिफिट्स कई हैं। दोस्तों, मैं आपको आगे भी हमारे उत्तराखंड से संबंधित व्यंजनों को बनाने के तरीके बताती रहूँगी ताकि आप भी उन्हें ट्राई कर सकें और अपने खान पान में उन्हें इंक्लूड कर सकें। इसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ, आपसे फिर मिलूँगी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।